महेश मजेजी, करीब 40 वर्ष से आप मनासा में है, यानी कि मनासा के आप हम कह सकते हैं, लंबे समय तक मनासा क्षेत्र में आप सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारा प्रोग्राम है दिल की बात। आज मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूं और मनासा के विकास को लेकर आपके मन में क्या राय है, जनता भी सुनना चाहेंगे। मनासा के विकास के लिए सबसे पहली जरूरत है कि मनासा साफ सुथरा रहे। उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर सफाई और प्रॉपर गार्बेज का व्यवस्था होनी चाहिए। पर्सनल लेवल पर ठीक है, कचरा अपन इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब कलेक्ट होकर के नगर पंचायत को करना चाहिए तो बकायदा उसका सेग्रीगेशन, खाद बननी चाहिए, किसी नाले में किसी नाली के अंदर पानी कभी रुकना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, और पीने के पानी की हमेशा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सफाई में पीने का पानी और पानी का निकास या गंदगी का निकास और उसका डिस्पोजेबली आती है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें रहती हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी रहती हैं। शिक्षा बेसिकली सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षित हुए किसी चीज़ की अप्रोच बराबर होती नहीं है। चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, घर में कोई बीमार हो या किसी तरह की कोई भी व्यवस्था करनी है, तो एजुकेशन का रोल सब जगह रहता है। और क्या कारण है कि अपन एजुकेशन में कुछ नहीं कर सकते, जबकि सुनते हैं कि कोटा में कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया कोचिंग और आज कोचिंग का वो बड़ा भारी हब बन गया। इतने सरकारी टीचर बहुत सारे स्कूलों के अलग अलग एबिलिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं, अपने अपने स्कूल को टाइप कर सकते हैं कि भाई मैं मैथ ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, या किसी पर्टिकुलर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करा सकते हैं। इस तरह से टीचरों को आपस में कोशिश करनी चाहिए कि डेवलप करें। सरकार को भी चाहिए कि उनमें ये एबिलिटी, उनमें ये हुनर आए, इसके लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से मनासा पूरे मध्य प्रदेश का सबसे संपन्न सब डिवीज़न है, और हालत ये है कि कोरोना में अपने को उसकी दयनीय दशा देखने को दिखी। कोई बात नहीं, अभी भी अपन चाहें तो सुधार कर सकते हैं। अस्पताल अपने इतने इक्विप तो होने चाहिए कि कोई मरीज सीरियस हो तो प्राइमरी उसकी केयर तो कर सकें, उसको डील कर सकें, चाहे वो मनासा का अस्पताल हो, चाहे कुकलेश्वर हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे सब आसपास के डॉक्टर हो। और बीइंग ए वेरी सीनियर पर्सन, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी कोई हेल्प कहीं भी हो सकती हो तो मैं करने को तैयार हूँ, अपने जूनियर डॉक्टरों के लिए भी और जनता के लिए भी। और सरकार को भी चाहिए कि बहुत सारे डॉक्टरों को अलग अलग जगह ट्रेनिंग पे या पैरामेडिकल पर्सन को ट्रेनिंग पे भेजें। छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी मायने रखती हैं कि ऑक्सीजन की किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन कैसे लगानी है, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं कि ट्रेनिंग में आए। नर्सिंग केयर कैसे करनी है, बेड मेकिंग कैसे करनी है, बीमार सीरियस बीमार आदमी को केयर कैसे करनी है, इस तरह के लोगों की ट्रेनिंग हो तो ठीक ढंग से रखा जाए। इसके लिए तो मेरी बरसों से बहुत इच्छा थी। भादवा माता के लिए मैंने एफर्ट भी करने की कोशिश करी थी नारायण सेवा संस्थान के थ्रू। भादवा माता एक ऐसा स्थान था जहाँ बुजुर्ग, अपंग, डिसेबल्ड पर्सन अपने आप पहुँच जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ कोई ऐसा सेंटर नहीं था जो उनका ब्लड प्रेशर भी नाप ले, शुगर नाप ले, उनको ये एडवाइस कर ले कि माता जी के विश्वास के साथ साथ आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखो, अपनी शुगर को कंट्रोल कर लो, आप और अच्छे हो जाओगे, और फिजियोथेरेपी करो तो और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। मैंने ये प्रयास मैं बरसों से चाहता हूँ कि हो, बजाय अकेले कोशिश इन तरह की होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं साहब, बाकी तो समग्र विकास के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लगता नहीं कि मैं ये सारी बातें कर पाऊँगा। बदलाव कैसे कर सकते हैं अपन, जो आपने जो मुद्दे जो खास प्रमुख बात करी, स्वास्थ्य और शिक्षा, सब खुद जनता को भी समझना चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर क्या है, उसको ही अप्रोच करनी चाहिए, और डॉक्टरों को भी समझना चाहिए कि अपनी एबिलिटी कैसे विकसित करनी चाहिए। दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सभी देश के नागरिक हैं, चाहे वो टेक्निकल डॉक्टर लोग हों चाहे जनता हो, और जनता भी ठीक रहती है और डॉक्टरों को ठीक रखते हैं
तो अपन देश की जीडीपी बढ़ाने में सहयोग करेंगे, आदमी स्वस्थ रहेगा, कुछ कमाएगा, परिवार का भला होगा, देश का भला होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, समय आपने आज मेरे को दिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू।